आज इन्हें मत रोकना, आज इन्हें मत टोकना, ये प्यार के पंछी हैं जनाब, आज किसी की नहीं सुनेंगे। अब जोया और असद को ऐसे लिपटा देख पूछने वाले तो पूछेंगे ही कि भाई प्यार का ये कौन सा खेल है। अगर कबूल है मैं अगर जोया कुछ गिर रही है या प्रॉब्लम में है ना, तो मिस्टर खान आ ही जाएंगे, तो मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। हाँ, टेलीपैथी, दिस इज कॉल्ड टेलीपैथी। टेलीपैथी, हाँ टेलीपैथी, वो हम हमारे सोल्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, तो जब जोया का सोल एलिवेट या लेविटेट हो जाता है किसी जगह पे, तो मेरे सोल को भी पता चल जाता है, तो मैं ऐसे पहुंच जाता हूँ, सारे पहुंच जाते हैं, फिर हम ऐसे हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, तो जहाँ पे वो दूर होती है और मैं होता है ऐसे। अच्छा, तो ये रोमांटिक हादसा जोया की वजह से हुआ है। जोया मैडम तनवीर की खुफिया गिरी करने के लिए उसके कमरे में ताका झांकी कर रही थी, और तभी बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह फिसल जाते हैं जोया के पांव। को देखने गई थी, बहुत फिक्र हो रही थी मुझे उसकी, तो मैंने सोचा देख के आऊं कि वो ठीक से सो रही है या नहीं, पर मिस्टर खान को चैन कहां पड़ती है जब कुछ कबाब में हड्डी आ गया ना बीच में। हाँ, वही तो। वैसे इस तरह के सीन जितनी मुश्किल से शूट होते हैं, सितारों को भी इसके लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। देखिए जोया गिरने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। जमीन पर बैठने वाले इस सीन में तो असद बाबू को चोट ही लग जाती है। सीरियल कबूल है में जोया ठान चुकी है कि वो तनवीर को बेनकाब करके रहेगी, लेकिन जितना दिमाग जोया तनवीर का पर्दाफाश करने में लगाती है, उतना ही दिमाग तनवीर खुद को बचाने में लगा लेती है। तभी तो इस सीन में जोया की कोशिश नाकाम हो गई। अभी तक तो मैंने फेक स्किन लगाया हुआ था जोया और असद को की सैंपथी लेने के लिए कि मैं जल गई हूँ, लेकिन जोया ने मेरे ना वो जो फेक मास्क थे ना उनको चुरा लिया, तो मुझे असली में अपने आप को जलाना पड़ा है आयरन से, तो बस इसी वजह से मेरे हंसू भी आ गए। हाँ चलो, सवाल तो पूछा ना मिस्टर खान, आप बाज नहीं आते हो, आप भी बाज नहीं आते मिस फारूक। अरे भाई झगड़ा बंद कीजिए और तनवीर का कुछ कीजिए, क्योंकि जब तक तनवीर रहेगी आप दोनों के आसपास, आप दोनों का पास आ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। मुंबई से साधना के साथ आज तक ब्यूरो।